आप सब लोगों का निखिल जानी किचन में स्वागत है। आज मैं एक बहुत सिंपल एकदम सिंपल रेसिपी बनाने जा रहा हूँ। मैं खाली गोभी और प्याज की सब्जी कैसे बनाना वो बता रहा हूँ। प्याज को मैंने इस प्रकार से काट लिया है, तो आप लोगों को प्याज को लंबे लंबे काट लेने का है। तो अभी हमारे को हम गोभी को कट कर लेंगे। तो गोभी को कट करने के लिए आपको क्या निकाल देना है, सबसे पहले ये डंठल जो है ना, अब है ना कई बार इसमें कीड़े भी होते हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, इसमें एक एक को अलग कर देने का, ये एक एक को अलग करने का। ये प्रकार से हमको एक बाउल में पानी लेने का है, गोभी को डाल देना चाहिए। जो भी इसके अंदर गंदगी होगी सब निकल जाएगी। तो हमारे को थोड़ी देर पानी में भिगा के रखना है। डालने का 3 चम्मच ऑयल, क्योंकि ऑयल थोड़ा इसमें ज्यादा लगता है, तो मैंने ऑयल ले लिया इसमें। भाई ऑयल थोड़ा गर्म होने देते हैं। 1 चम्मच जीरा, इसको तड़कने दें हम। और फिर 1 चम्मच राई, उसके बाद हम डालेंगे इसमें हींग। तो ये थोड़ी मैंने हींग डाल दी इसमें। अब इसको इस प्रकार हिला लेंगे इसमें। ये देखिए, ये अदरक भी बहुत अच्छा लगता है इसमें, तो अदरक को भी हम भून लेते हैं। ये अदरक को भी इसमें भून लिया है। ये मैंने 1 मिर्ची डाल दी है। आप चाहो तो, अगर तीखा खाते हो तो आप ज़्यादा डाल सकते हो। हम लोग तीखा कम खाते हैं, इसलिए मैंने कम मिर्ची डाली है। ये 3 मिर्ची से भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। ये देखिए, हमारा तड़का ऑलमोस्ट हो चुका है। ये प्याज चला गया जो काटा हुआ था। अब प्याज इसमें पकेगा। आपको इसी प्रकार से प्याज काटना है आपको। ये देखिए, प्याज को आपको मीडियम फ्लेम पे भूनना है। देखिए, सब प्याज अलग अलग हो गए, आपने देखा होगा। इसमें हमारे को प्याज को जब गोल्डन ब्राउन जब तक नहीं आया, तब तक हमारे को प्याज को भूनना है। इसको पहले पड़ेगा इसमें 1 चम्मच हल्दी, ये लाल मिर्ची, खड़ा धनिया। थोड़ी देर इसको पका लेने का, हमारे को प्रॉपरली मिक्स हो जाएंगे। आप देख सकते हैं मसाले मिक्स हो गए हैं इसमें, बहुत बढ़िया कलर आ गया है ये। आपको 2 मिनट मसालों को पकाना है, खाली ज़्यादा नहीं पकाने का। गोभी डलेगी इसमें। ये मैंने पानी में भिगा करके 2 बार इसको वॉश कर लिया था मैंने। हमारे को मिक्स कर लेना है इसको इस प्रकार से, तो एक सा मिक्स कर लेना, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मैंने प्याज के अंदर भून लिया था। पानी बिल्कुल नहीं पड़ता है इसके अंदर, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपकी गोभी चल रही है, तो आप थोड़ा सा पानी इसमें डाल सकते हो। नमक डालना है इसके अंदर, स्वाद अनुसार आप नमक डाल सकते हैं। देखिए, मैंने नमक इसमें डाल दिया है, थोड़ा सा और ले रहा हूँ मैं। ये नमक चला गया इसके अंदर। नमक डालने के बाद हमारे को क्या काम करना है, हमारे को थोड़ा सा पानी छिड़कना है इसमें। थोड़ा सा पानी इसमें, हल्का सा पानी आपको डालना, जिससे कि पकेगा जल्दी। इसको हमारे को कम से कम 7 से 10 मिनट स्लो गैस पे हमारे को इसको पकाने का है। हमने निकाल लिया है, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया लग रही है सब्जी। थोड़ी सी इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल रहा हूँ, जो कलर में भी अच्छी लगती है और थोड़ा टेस्ट भी आता है। प्याज के साथ आपने ऐसी सब्जी कभी नहीं खाई होगी। हल्का सा हरा धनिया ऊपर डाल देने का है। ये देखिए, ये हमने हल्का हरा धनिया डाल दिया, कितना बढ़िया लग रहा है इसमें। अब चलिए इसको सर्व कर देते हैं। इसको देखिए, हमारी प्याज और गोभी की सब्जी बनके रेडी है। और ये सब्जी को बनाने के लिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, खाली प्याज और गोभी चाहिए और मसाले चाहिए, और मैं थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर डाला हुआ है। और ये फटाफट 10 मिनट में बनकर रेडी हो जाती है, तो कुछ ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं है। और मैंने इसमें आलू इसलिए नहीं डाला हुआ है, गोभी का टेस्ट आपको अलग से आएगा। तो ये सब्जी आप बनाइए, आप कोई भी मेहमान घर पे आते हैं, सब्जी को पूरी के साथ खा सकते हैं, पराठा के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, और आप दाल चावल खा रहे हैं तो उसमें भी इस सब्जी को आप ले सकते हैं। देखिए, मेरी रेसिपी को अंत तक देखिएगा, और मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करना भाई बिल्कुल मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और शेयर करना भी मत भूलना। और प्लीज़ प्लीज़ बेल आइकन का बटन आप दबाइए, जिससे कि नई नई रेसिपी की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। Wish you all the best and may God bless you.